बॉल को क्या हुआ? बॉल को कोई चोट लग गई है क्या? अरे बॉल को कोई चोट नहीं लगी, बॉल को टेप करते हैं। अब हम टेप करके खेलेंगे बॉल के साथ। अच्छा ये कौन सी क्रिकेट है? टेप वाली? ये पाकिस्तान की स्पेशल क्रिकेट है, ये बॉल पे टेप करके फिर खेलते हैं। ये सब मुझे लुकु मामू ने बताया। ये आपके मामू है क्या? पर ये तो मेरे चाचू है, इन्होंने तो मुझे कभी बताया नहीं है। क्या नहीं बताया कि ये आपके चाचू है? ए, नहीं, इसका बॉल का? ए, नहीं, ये जो इसके ऊपर है, इसके बदले जो चाचू का हाथ है। अरे हाथ के नीचे। अरे जमजम बॉल की बात कर रही। अरे वो बॉल की बात कर रही है। अरे आप ही इधर आओ, नई क्रिकेट मिली है खेलने के लिए। मुझे पता चल गया था यहाँ पे क्रिकेट होने वाली है, इसलिए मैं अपनी विकेट साथ लेके आई हूँ। अरे आप ही ये देखो, मैंने तो नंगी बॉल देखी थी, फिर बाद में मैंने देखा था उसके ऊपर टेप भी लगती है। सर्दी लग रही होगी इसलिए टेप लगा दी। नहीं, उसे चोट लग गई होगी इसलिए टेप कर दी। अरे नहीं। अरे बात सुनो, बात ये है। अरे लुको, जो आपने नहीं बताया मैं बताती हूँ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, यहाँ पे टेप बॉल के ऊपर टेप लगाते हैं। ये देखो। हेलो, अरे ये तो एकदम सॉलिड हो गया। अरे इससे तो बहुत बड़ी दूर जाती होगी। असद, ये खेलेंगे भी या ऐसे बातें करते रहेंगे? ओ चलो बातों को छोड़ो, आओ कैच कैच खेलते हैं। क्रिकेट खेलने से पहले पहले फील्डिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलो अब चलते हैं। आओ सब प्रैक्टिस करते हैं। गुड, चलो चलो। यस असदुल्ला मेरी तरफ, ये लो आपी, ये लो अहमद। वेरी गुड जमजम, ये ऐसे। यस ये लो अहमद। अब कैच है, कैच ही खेलोगे, बारियां भी लगाओगे? चलो आओ बारियां लगा के खेलते या तो मैच लगाते। ये आ गया दोस्तों, हम इसको नहीं खिलाएंगे। आप ही ये फैसला आप नहीं करोगी, ये फैसला कैप्टन करेगा। कौन? एरोप्लेन का कैप्टन? अरे नहीं, क्रिकेट का कैप्टन। बाबर आजम? नहीं। तो कौन? शहीनशाह? नहीं, गली क्रिकेट का कैप्टन लुक्कू चाचू। गली क्रिकेट में कौन सा कैप्टन होता है? क्रिकेट में ऐसे ही होता है, और अगर हमारे साथ खेलना है तो जैसे हम कहेंगे ना वैसे ही करना होगा। आप ही अगर क्रिकेट खेल लिया ना तो इसको अपना पार्टनर बनाना होगा। वो क्यों जमजम? बॉल हमारी, विकेट हमारी, ग्राउंड हमारी, कैप्टन हमारा। बैट तो ये ना अपने पास। मैं तो इसके साथ हूँ, जितना बैट होता है ना उतना पावर भी ज्यादा आती है। पहली बार ही हमारी होगी क्योंकि बॉल हमारा है। क्यों जी, आप लोगों के पास बॉल है बैट नहीं, और अगर तुम्हारे पास बॉल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैटिंग करोगे। तुम्हारे पास बॉल है बॉलिंग करो, हमारे पास है बैट हम बैटिंग करेंगे। चल भाई मैं बॉल करने लगा हूँ, हो जाते यार। ठीक है कर बॉल। राघ रा बॉल। अरे बॉल तो बहुत ऊपर चला गया। अच्छा बच्चों आप सब खेलो, मैं अभी आता हूँ। अरे असदुल्ला भाई क्या कर रहे हैं आप? ऐसे बॉलिंग कर पाएंगे तो हमारी बारी नहीं आएगी। हाँ। अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये देखो उसने क्या किया है। हाँ हाँ शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैंने कमेटी पहले दी थी, मुझे मुझे मिलनी चाहिए पहले।
ये क्या हुआ? लगता है कोई चीज टूट गई है। इसका मतलब है ये लड़के फिर बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के नहीं, बच्चे। ये बॉल किधर चली गई? कहाँ चली गई ये बॉल? अरे नजर नहीं आ रहा, वो बेबी आंटी के घर चली गई है और कोई चीज टूट गई है। हेलो, अरे कैसे तूफानी बच्चे हैं ये। जरूर मूसा के बच्चे ने बॉल फेंके, वो ही हमेशा बॉल फेंकता है और मेरे गैलरी का शीशा तोड़ दिया। अब ये बॉल लेने आएगा, इसको तो मैं पूछती हूँ ना। ये है बॉल पड़ा हुआ, अब आएगा बॉल लेने के लिए। अब क्या होगा, बॉल कैसे आएगी? अब बॉल को भूल जाओ, बेबी आंटी के पास चला गया है। यानी मेरा बॉल अब नहीं आएगा? देखो मूसा, मेरी बॉल किसी तरह ला दो, नहीं तो मैं आपका बैट ले जाऊंगा, या तो मुझे बॉल के पैसे दे दो। अरे छोटी बहन, एक काम करो, तुम जाके बेबी आंटी से बॉल ले आओ। नानी है मुझे, खुद जाके बॉल ले आओ। आप डर आपको लाए और बॉल मुझे रहे हो। अच्छा तो ये बात है, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, डरपोक समझा मैं मुझे। मैं भी जाके बॉल लेके आता हूँ। अब देखना इसके साथ क्या होता है। बेबी आंटी, बेबी आंटी, बेबी आंटी, इतनी देर हो गई, मैं तो भाई आया क्यों नहीं? आ गया, मैं आ गया। ये लो, ये रहा तुम्हारा बॉल। बताओ कौन है डरपोक? ये लो अपना बॉल। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मैं तुम लोगों को क्या बताऊं? मेरे साथ क्या हुआ? मैं बेबी आंटी के घर गया बॉल लेने, उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं दूंगी मैं बॉल, वो कपड़े धो रही थी। अरे बेबी आंटी, मुझे इधर क्यों फेंक दिया? मैं तो अपनी बॉल लेने आया था। हाँ, बॉल फेंकना तो बहाना था तेरा, असल तो तेरी चोरी थी, चोरी करने आया ना है? मैं तेरे जैसे नाटकबाज को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अरे बेबी आंटी, आप तो मुझे कह रही हैं कि मैं चोर हूँ, मैं तो अपनी बॉल लेने आया था। कभी पूछो किसी से, सारे कहते हैं मूसा बड़े काम का बंदा है। तो बड़े काम का बंदा है? अब मैं इसको बताती हूँ, अगर ये काम का बंदा है, तुम लोग देखो इसके साथ मैं करती क्या हूँ। चल फिर हो जा तैयार, तू बड़ा काम का बंदा है ना। वो कपड़े धो रही थी। मशीन खोल और कपड़े धो। धोने के बाद उन्होंने कहा जितने भी पूरे घर के कपड़े इसे सुखाओ। उन्होंने पूरे घर के कपड़े मुझसे धुलवाए। चल जल्दी कर, जल्दी। बेबी आंटी, अब ये सारे कपड़े मैं धोऊंगा। जी आप धोओगे, जल्दी करो। अरे मर गए। उन्होंने मुझे कहा कि ये सारे कपड़े लेके जाओ और रस्सी पे सुखाओ। मैंने सारे कपड़े सुखाए। फिर वो पूरे घर में झाड़ू देने लगी। उन्होंने मुझे कहा ये लो तुम पूरे घर में झाड़ू लगाओ। मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगाया। कपड़े धो लिए, ये ले पकड़ और ये पूरा घर का फर्श साफ कर। बोल चाहिए ना, चल जल्दी कर। अब जल्दी। सारा मैं साफ करूं? जी जी जल्दी कर, जल्दी काम पे लग जा, काम पे लग जा। बड़े तेरे मैंने नाटक देखे हैं, तेरे बड़े नाटक देखे, बड़ा काम कह लू। मेरी बात सुना, खड़ा हो जल्दी कर। ये जो कपड़े तूने धोए ना, बाहर जाके इनको धूप में सुखा। ओके चल जल्दी जा। देखा, ये लो अपना बॉल। बेबी आंटी इतनी सालन है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं ना आ रहा, तो एक काम करो, ये जो तुम्हारे हाथ में बॉल है ना, ये फिर बेबी आंटी के घर में फेंको और जाओ
फिर बॉल लेने का उनसे पूछो, देखना वो तुम्हारे साथ क्या करती है। अरे नहीं नहीं हम ऐसे ही ठीक है। अरे इससे पहले बेबी आंटी हमें पकड़ने आ जाए, भागो। चलो भागो। थोड़े से शरारती हैं, थोड़े से मासूम हैं। लाइफ की सब मुश्किलों के हल हमको मालूम है। आपको आज की हमारी वीडियो होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया ये रैंडम सी और एक फनी सी वीडियो थी, हमें जरूर बताना आपको कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। इसके अंदर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि मैं शॉट मारता हूँ और बेबी आंटी के घर बॉल चली जाती है, बेबी आंटी फिर मुझे बहुत सारे काम करवाती है और मैं थक जाता हूँ। तो आप किसी को ऐसे तंग ना किया करो, और अगर कोई ऐसे आपको तंग करे तो आप कहना सॉरी और आपने उनसे बॉल ले लेनी है। तो बाकी ऐसे लोगों को तंग ना किया करें, बाकी ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू सो मच, तभी बाय बाय।